सो हेलो गाइस, दिस वाज माय फर्स्ट एवर ट्रैक. ठीक है, छोटा सा ट्रैक है बट बहुत मज़ा आया. ये वीडियो मेरा पूरा देखना, आपको गारंटी बोल रही हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा. ये हमने एक थोड़ा सा हॉल्ट लिया था जाते वक्त और वहाँ हमने एंजॉय किए थे ये पैकेज. ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, एक सड़क पे एक मोर आया, मैं उत दिल छोड़ आया. हम रसे ये ट्रैक की डेस्टिनेशन थी देड़ियापाड़ा. देड़ियापाड़ा में एक कीचड़ करके एक पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ हमने ये ट्रैक हमारा किया था. अराउंड भरूच से ये 100 किलोमीटर्स दूर पड़ता है और अंकलेश्वर से कुछ 80 किलोमीटर्स. उसके बीच में ये एक छोटा सा होटल है जो पूरा बाम्बू से बनाया हुआ है. इसकी चेयर्स भी बाम्बू से बनाई हुई है. वहाँ हमने ब्रेकफास्ट लिया था. हम लोग आकाश भैया यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, इसलिए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमको जाने को मिला. हमको ब्रेकफास्ट में मिला था ये पात्रा एंड चाय. हमने बहुत सारी चाय पी थी क्योंकि सुबह हमने कुछ खाया नहीं था. उसके बाद में एक छोटा सा म्यूजियम था जहाँ पे बहुत सारे बाम्बू से बनाए हुए सब थिंग सब चीज़ें थी, जैसे कि पर्स था, ग्लास थे, शोपीस था, फ्लावर पॉट्स थे एंड बहुत सारी चीज़ें थी, कुर्सियाँ, बड़ा बड़ा टेबल जो आप चाहिए वो ले सकते थे. सो ये पूरे ट्रैक पूरे दिन की फी हमको पड़ी थी 900 एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड बहुत मज़ा आया एंड इट्स ऑल वर्थी. मेरा भी बैग उतारो, वो वाला मेरा बैग उतारो, वो वाला पिंक 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 पिंकी पिंकी वाला. चलो 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 ईशा चलो, नहीं आने बैग भारी से चल ले. तो हूँ करिया करे छे टोपी जरूरी से टोपी इज इम्पोर्टेंट टोपी इज इम्पोर्टेंट. चलो टोपी. हम सुबह निकले थे, सुबह मतलब मैं अंकलेश्वर से बैठी थी 7 बजे और वहाँ हम लोकेशन पे पहुँच गए थे 9:30 बजे. यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है. यहाँ पे हमको थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आगे आगे कैसे जाना है, क्योंकि पूरा जंगल है तो एनिमल्स भी है, तो हमको पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा था कि क्या करना है क्या नहीं. और हमारे साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम भी थी. यहाँ पे वैसे लोकली किसी को अलाउड नहीं करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम ट्रैक करने गए थे, इसीलिए हमको ये ट्रैक और फॉरेस्ट के अंदर अलाउ किया गया. बाकी आप जनरली अगर फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो आप वहाँ नहीं जा सकते. ये जो पूरा ट्रैक था वो 7 किलोमीटर्स लॉन्ग था, बट वो बोल रहे थे 7 किलोमीटर्स, बट आई डोंट थिंक सो वो 7 किलोमीटर्स था. वो अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि 9 to 10 किलोमीटर्स था. पूरा 9 to 10 किलोमीटर्स जाना एंड देन रिटर्न 8 to 9 किलोमीटर्स रिटर्न आना. फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दी गई थी. हर 2 या 3 किलोमीटर के बाद में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो टीम हमारे साथ थी, पानी की फैसिलिटी मीन्स जो कार थी उसके अंदर वो लोग वो जो 20 लीटर्स का कैन आते हैं वो रख के हमको हर 2 या 3 किलोमीटर में पानी की पूछ रहे थे, मतलब पीना है. तो वो भी जोर से. वेदर भी बहुत अच्छा था. अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जाएंगे तो बहुत मजा आएगा. और ये ट्रैक इसीलिए और ज्यादा मजा आया क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी. बारिश से ये ट्रैक और सुंदर हो गया था और बहुत ब्यूटीफुल हो गया था. ये छोटे छोटे स्प्रिंग मीन्स ये वाटरफॉल्स, ये जो वाटर्स जा रहे थे बहुत अच्छे लग रहे थे. ये चीज मानसून में ही ज्यादा देखने मिलेगी. ये जो छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आते हैं बीच में, ये ही तो ट्रैक की पूरी ब्यूटी थी. जाओ जाओ दीदी, व्हाट इज दिस, तू अकेले जा. चलो मोनिका दीदी. अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि फुल स्लीव की टी शर्ट वगैरह पहनिए, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत थे, क्योंकि एज
जंगल है तो मच्छर तो होंगे ही, और पानी की बॉटल आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपको पानी से अगर बचना है तो रेनकोट या अपना छाता अपने साथ में रखिए। एंड यस, एक जोड़ी कपड़े भी आपके साथ रखिए, क्योंकि आगे हमको वाटरफॉल मिला था और अगर वाटरफॉल में आप भीगेंगे तो वापस से वही कपड़े नहीं पहनेंगे, चेंज तो करेंगे ही, तो वो चेंज। ये एक बहुत ही सीधी खड़ाई थी, अराउंड मतलब मुझे ऐसा लगता है ना 80 डिग्री जितनी ये स्ट्रेट एकदम नीचे हमको उतरना था। दैट वॉज सो स्कैरी, दैट वॉज सो स्कैरी एकदम। के मंजिल आएगी सफर साथ चलने से। मुझे नहीं पता था कि भरूच के अंदर भी कुछ ऐसी लोकेशन है, बट बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही आप जा सकते हैं, बहुत एंजॉय किया। और पूरा ग्रुप होता है ना तो ही मज़ा आता है, और वो थोड़ा कम स्कैरी भी लगता है। पूरे बस जंगल में आपको कुछ ना कुछ एनिमल की आवाज़ आएगी, कुछ ना कुछ जानवर की आवाज़ आएगी, बहुत डरावना है। बट लेकिन अगर आपका ग्रुप होता है ना तो वो मतलब ऐसा बोलते हैं वहाँ पे कि तो एनिमल नज़दीक नहीं आते हैं, इसलिए आप ग्रुप के साथ जाएंगे ना तो ही सेफ रहे। अरे आगे देख रहे, वीडियो आ रहा है, हाई करके जा, हाई करके जा, हाई हाय। इस ट्रैक की पूरी ब्यूटी ही आपको मॉनसून में दिखेगी, हर जगह ये पानी निकल रहा होता है, झरना चल रहा होता है, ये सिर्फ ना आप मॉनसून में ही एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा था वाटरफॉल, ये वाटरफॉल की कुछ पिक्स है, वहाँ पे जाना थोड़ा स्के बाद हमें 2 बजे के अराउंड लंच मिला था, जिसमें 2 सब्जी, रोटी, दाल, चावल, श्रीखंड, छाछ एंड बहुत कुछ था। उसका मैं फोटो वीडियो नहीं ले पाई, बट बहुत मजा आया। अब सबकी विकेट गिर चुकी है। नहीं गिरी। खाना भी बहुत टेस्टी था, हमने बहुत एंजॉय किया, और रिटर्न वहां से वापस से ट्रैक एंड करते हुए घर आ गए थे। ये अभी हम घर पहुंचे भी नहीं थे और हमारे पैर की हालत ये थी। और रिटर्न में हमें सेम होटल पे टी ब्रेक दिया गया था, और इस तरीके से हमारा पूरा ट्रैक एंड हुआ। बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अगर वापस आए तो आप भी ज़रूर जाइएगा।